जबलपुर जमीन विवाद पर दो लोगों में आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ओर से गोलियां भी चली, जिसके बाद मौके पर भीड़ लग गई। फायरिंग में एक कांग्रेस नेता की मौत हो गई, वहीं अन्य लोगों को चोटें आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। हालात को काबू में कर मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोहलपुर थाना अंतर्गत अमखेरा बस्ती नंबर 2 में 8,000 वर्ग फीट जमीन के विवाद में कांग्रेस नेता की सगे चाचा व भतीजे ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों पक्षों में कोर्ट में भी मामला लंबित था। गुरुवार शाम को भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सुबह 10 बजे के लगभग भरत कुशवाहा उम्र 38 वर्ष घर पर मौजूद थे, तभी उनके चाचा राजा राम अपने बेटे संदीप के साथ पहुंचे और भरत के सिर में गोली उतार दी। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में राजा राम को हिरासत में ले लिया है। अमखेरा रोड निवासी भरत कुशवाहा की गोली लगकर मृत्यु हो गई है। मृत्यु मौके पर हुई है। प्रॉपर्टी का विवाद की जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, जिसमें राजा राम कुशवाहा जो उनके परिवार के ही हैं, बताया जा रहा है कि बड़े पिताजी के लड़के हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी बॉडी को PM के लिए अस्पताल लाया गया है।